खातून सहाफ़ी मारवी सरमत की जानिब से एक ट्वीट में पाक फ़ौज को तनकीद का निशाना बनाया गया तो DGISPR ने फौरी जवाब दिया। मारवी सरमत ने एक ट्वीट शेयर की जिसमें तालिबान की जानिब से कायम की जाने वाली चेक पोस्ट का तज़किरा था। इस पोस्ट में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ था कि ये अफगान तालिबान हैं जिन्होंने अफगानिस्तान के सूबा नंगरहार में एक नई चेक पोस्ट कायम की है। लेकिन मारवी सरमत की जानिब से ये ट्वीट रीट्वीट किए जाने के साथ इस पर तबसरा भी किया गया। मारवी सरमत ने लिखा कि तालिबान, मेरा ख्याल था कि ज़रबे अज़ब और रद्दुल फसाद ने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी है क्योंकि गुज़िश्ता 3 वर्ष से हमें यही बताया जा रहा है। फिर ये कैसे हो सकता है कि वो गैर कानूनी चेक पोस्ट कायम कर लें? क्या वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को इतना ही हल्का लेते हैं और वो भी टूटी हुई कमर के साथ? ख्याल रहे कि पाकिस्तान की हुकूमत और पाक फौज की जानिब से मुतअद्दिद बार ये कहा गया कि ऑपरेशन ज़रबे अज़ब और रद्दुल फसाद के नतीजे में हमने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी है। मारवी सरमत की जानिब से इसी कमर तोड़ने की इस्तलाह को तनकीद के लिए इस्तेमाल किया गया। मारवी सरमत ने यह ट्वीट की तो DGISPR ने इसका स्क्रीनशॉट शेयर किया और इनकी गलती की निशानदही की। मेजर ने कहा कि मारवी सरमत, असल में पाकिस्तान की जिम्मेदारी तोरखम पर ख़त्म हो जाती है और ये चेक पोस्ट मुबीना तौर पर अफगानिस्तान के सूबा नंगरहार में है। जियोग्राफी का थोड़ा सा इलम आपके लिए मददगार साबित होगा और हो सकता है कि इलम की बिना पर आप कम बोलें।